हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नायका शॉपिंग हॉल। ये जो शॉपिंग है वो मैंने लॉकडाउन से पहले करी थी और इतने दिन मैं ये सारे प्रोडक्ट यूज कर रही थी, बिकॉज मैं किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू जो है हॉल में तभी बताती हूँ जब मैं उसको यूज कर लेती हूँ, और ताकि मैं आपको एक हॉल वीडियो के साथ साथ आपको एक रिव्यू वीडियो भी शेयर कर दूं। दो अलग अलग वीडियो क्रिएट करने के बजाय मैं वन वीडियो क्रिएट करती हूं और उसमें आपके साथ सारी जो डिटेल होती है प्रोडक्ट की वो भी शेयर कर देती हूं। अदरवाइज हॉल वीडियो का मतलब ही क्या रह जाता है अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट का नाम बता के उसका रख दूं, तो वो तो आप भी साइट पे जाके देख सकते हैं प्राइस एंड नाम। तो इसके साथ साथ उसका रिव्यू शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर मैं कोई भी हॉल वीडियो शेयर कर रही हूं तो, ताकि ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करें। मेरा जो फर्स्ट पिक है वो ये है माल्या का नीम फेस वॉश। ये मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, बट अभी मेरी जो मैंने इससे पहले एक और बॉटल ली वो अभी तक चल रही है, तो मैं वही यूज कर रही हूँ। लेकिन मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा मंगा के रखती हूँ ताकि कभी भी ऐसा हो जाए कि चलो अभी खत्म ही हो गया है तो एकदम से ना दौड़ना पड़े, इसलिए मैंने एक मंगा के रखा है। ये आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो भी जिनकी भी ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन होती है या पिंपल्स होते रहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। आप मान के चलो कि 4-5 साल हो गए होंगे मुझे इसको यूज करते हुए, आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये तो अपना जैसे बचपन का फेस वॉश टाइप फेस वॉश है, तो अच्छा है ये। मेरा जो नेक्स्ट पिक है वो है ये एवरयूथ नेचुरल का एक्सफोलिएटिंग वॉलनट स्क्रब। ये जो है वो आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को रिमूव करने और साथ ही साथ आपकी डेड स्किन को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं इसको पर्सनली कम से कम 7-8 साल से यूज कर रही हूँ। क्वांटिटी जो इसकी है वो 200 ग्राम्स है और 200 ही इसकी प्राइस है, यानी कि 1 रुपए में 1 ग्राम मिल रही है, तो इससे ज्यादा सस्ता और क्या चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। लिंक पिक है वो है बॉडी शॉप का मोरिंगा सॉफ्टनिंग बॉडी मिल्क। ये जो है बॉडी, ये एक तरह का बॉडी लोशन है। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और हर ये आपकी बॉडी पे रहता है। कभी भी आपको आपकी बॉडी पे एकदम ड्राइनेस फील नहीं होगी इसको लगाने के बाद, और इसकी कंसिस्टेंसी काफी रनी है। मैंने तो ये पूरा फिनिश ही कर दिया। प्लास्टिक की बॉटल इस तरीके की मिलती है और ये इस तरीके से पंप पैकेजिंग में आता है, आपको स्प्रे करना होता है, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो 2 घंटे बाद तो बिल्कुल उड़ ही जाती है। फ्रेग्रेंस जो है वो बिल्कुल मोगरा के फ्लावर्स जैसी फ्रेग्रेंस 2 घंटे बाद नहीं रहती, लेकिन मॉइस्चराइजेशन रहता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। बिग थम्स अप टू दिस। मेरा जो नेक्स्ट पिक है वो है सिंपल का लाइट मॉइस्चराइजर। और ये जो है ये इसमें किसी भी तरह का कोई कलर परफ्यूम यूज नहीं हुआ है, ना कोई हार्श केमिकल है इसमें। ये नो पैराबिन है, नो सल्फेट और नो एनिमल ड्राइव इंग्रेडिएंट इसमें यूज हुए हैं, और साथ ही साथ इसमें ये इस तरीके की बॉटल में आता है। ये काफी हैंडी है, आप इसको ट्रैवल में भी कैरी कर सकते हो। 125 ml इसमें क्वांटिटी मिल रही है, ये प्लास्टिक की बॉटल आपको मिल रही है इस तरीके से। और साथ ही साथ इसमें जो है वो प्रो विटामिन B5, विटामिन ई और साथ ही साथ ग्लिसरीन और बोरेज सीड ऑयल भी इसमें डाला हुआ है। ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है, और ऑयली स्किन वालों के लिए भी मैं तो बोलूंगी बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये स्किन को बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनाता और एकदम स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है। जिंपल एक यूके बेस्ड कंपनी है, और अगर आपकी स्किन कितनी भी सेंसिटिव है तो भी आप इसको ट्राई कर सकते। एक बार लगा लो पूरे दिन आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहती है। सो अगेन बिग थम्स अप। ये नायका का ग्लो गेटर हाइलाइटर एल्यूमिनेटिंग ड्यू, इसमें आपको क्वांटिटी जो 9 ग्राम मिल रही है, मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। इसका जो प्राइस है वो है 699 रुपीज। ये इस तरीके का हाइलाइटर है, इसमें एक शेड जो है वो गोल्ड मिलता है और दूसरा वाला जो शेड है वो रोज गोल्ड शेड है। इस तरीके का शेड इसमें मिलेगा। और ये जो हाइलाइटर है ये बिल्कुल भी चंकी हाइलाइटर नहीं है, ये लंबा चलने वाला है। अगर आप इसको रोज भी यूज करते हैं ना तो भी एटलीस्ट ये आपके साल भर तो चलेगा ही चलेगा। अगेन बिग थम्स अप। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पिक है वो है नायका का ब्लैक मैजिक लिक्विड लाइनर। इस तरीके का ये आता है, और इसमें जो इस तरीके की स्लीक पैकेजिंग आपको मिलेगी। 5 ml इसमें क्वांटिटी मिल रही है आपको। ये सेमी मैट फिनिश आपको देता है, बट सिर्फ एक ड्रॉबैक है, जब भी आप उसको रिमूव करते हैं ना तो ये एक पपड़ी की जैसे उतरता है, तो इस मामले में मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर इनकेस अगर वो पपड़ी है हमारी कभी आंख में चली जाए तो आईज के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है ये। बाकी जो आईलाइनर है वो अच्छा है। जो है वो मैंने 2 नेल पेंट ली है, और ये तो है मेबलिन का कलर शो नेल पेंट। ये गोल्डन कलर है और ये इस तरीके का गोल्डन शेड है। मैं इसका पिक इंसर्ट कर दूंगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का शेड है। अदरवाइज इसका जो ये क्विक ड्राई हो जाती है, और इसका जो स्टेइंग पावर है ऑन नेल्स मैं आपको बता देती हूँ, ज्यादा नहीं है, 1 से 2 दिन ही है। बट जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज्यादा फ्लोलेस फॉर्मूला है। अगेन बिग थम्स अप टू दिस।
एंड जो सेकंड मेरा लिप सेकंड मेरा जो नेल पेंट है वो है ये लॉरियल लॉरियल का रोज बुलेट 224 मेरा शेड नंबर है इसमें। तो इसका भी फॉर्मूला जो है वो काफी, ये भी नेल्स पे बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, क्विक ड्राई हो जाती है। और इसका भी मैं शेड का पिक इंसर्ट कर दूंगी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नेल्स पे किस तरीके की लगती है। सो इसमें आपको जो क्वांटिटी मिल रही है वो 13.5 ml क्वांटिटी मिल रही है। क्वांटिटी सारी नेल पेंट से बहुत ज्यादा अच्छी क्वांटिटी दे रहे हैं और स्टेइंग पावर इसका भी 2 से 3 दिन है। मुझे इसका शेड बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और नायका का रॉक द लाइन काजल, ये काजल जो है मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये इस तरीके के पैकेजिंग में आता है। क्वांटिटी जो इसमें है वो 0.35 ग्राम मिल रही है, ठीक है। बट ये काजल जो है वो सेंसिटिव आईज वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब मैंने इसको लगा के मैंने इसको चेक किया, इससे आईज में इचिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरा इसका फॉर्मूला, ये बहुत ज्यादा, ये स्मज प्रूफ भी नहीं है, ये स्मज भी होता है। तो अगर आपकी नॉर्मल आईज है तो आप इसको लें, अदरवाइज आप इसको ना लें। तो मैं तो इसको रेकमेंड उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं करूंगी जिनकी सेंसिटिव आईज है, ये बात आप जरूर ध्यान रखना। और इसका जो स्वेच है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके का, ये इस तरीके का ब्लैक काजल है। इतना खास पसंद नहीं आया। मेरे पिक है वो है प्लम का ऑल डे वियर कोल काजल है। ये काजल तो बहुत ज्यादा अच्छा है। लेट मी शो यू द स्वेच ऑफ दिस काजल। ये वाला जो स्वेच किया है, ये वाला इसका स्वेच है, ये आप देख सकते हैं। ये भी एकदम डार्केस्ट ब्लैक काजल मिलेगा इसमें आपको। और इसमें आपको इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, ये इस तरीके के पैकेजिंग में आएगा। अंदर आपको इस तरीके का शार्पनर भी मिलेगा। अगर आपके आज सुबह लगा लोगे ना, ये कल सुबह तक आपकी आंखों में रहने वाला है, मतलब 24 आवर्स ये आपकी आंखों पर लगा हुआ रहेगा और बिल्कुल भी स्मज नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस काजल में। सेंसिटिव आइज है तो भी परफेक्ट है ये काजल, और क्या चाहिए। इसमें भी, इसमें जो क्वांटिटी आपको मिल रही है वो 1.2 ग्राम्स मिल रही है। और साथ ही साथ थोड़ा सा अगर जब आप इसको शार्प करते हो तो प्रोडक्ट वेस्ट होता है, ये एक इसका ड्रॉबैक है, बट काजल इज अमेजिंग। उसके बाद जो मैंने लिया है वो है लैक्मे का लिप क्रियोन। इसमें आपको क्वांटिटी 2.2 ग्राम मिल रही है। और इसका भी मैं आपको स्वेच दिखाती हूँ। ये टमेटो रेड कलर है और ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ट्रस्ट मी गाइज, इट्स सो गुड। ये इस तरीके का आपको कुछ पिगमेंट मिलने वाला है, टमाटो रेड कलर है, लिप्स पे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। समर के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा कलर है। मैंने इसको बहुत बार लगाया, वीडियोस में भी लगाती हूँ मैं इसको, और मैं इसको यूं भी लगाती हूँ। फॉर्मूला जो है वो मैट में ही है, मैट फॉर्मूला इसमें आपको मिलेगा, इसमें आपको किसी भी तरह का ग्लॉसीनेस नहीं मिल रही है। दूसरा, लिप्स पर ये अप टू 4 to 5 hours स्टे करता है, तो अगेन प्लस पॉइंट। और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल भी है ये, एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो ये 185 rupees से ज्यादा का नहीं है, इतने में ही मिला था। और इसके साथ एक शॉर्पनर भी आता है, वो शॉर्पनर शायद मेरे से मिसप्लेस हो गया है तो वो मैं नहीं दिखा पा रही, लेकिन इसमें भी लिपस्टिक थोड़ा सा अननेसेसरी वेस्ट होती है जब हम शार्प करते हैं, बट जो लिप शेड है, नायका के 3 lipstick ली है। और इसमें भी, इसमें इस तरीके का आपको मैग्नेटिक क्लोजर में मिल रहा है। काफी अच्छी रिच पैकेजिंग है और जब इसको ओपन करते हैं तो ये इस तरीके से बुलेट निकलती है, ठीक है। अब इसका मैं आपको स्वेच करके बताती हूँ। ये मेरा सबसे वर्स्ट शेड है, जो मेरा शेड नेम है वो है शुगर प्लम मार्टिनी। एंड इसमें आपको इस तरीके का, ये आप इसमें स्वेच देखिए, ये जो इसमें स्वेच है, स्वेच आप देख रहे हैं इसका, कि बहुत मुश्किल से ग्लाइड होता है इसका। ये सबसे पहला, ये मेरा जो शेड है मुझे नायका में बिल्कुल पसंद नहीं आया, कि ग्लाइड करना पड़ता है जैसे लिप्स पे घिस रहे हैं, उसको बिल्कुल भी इजीली ग्लाइड नहीं होता। और ये पता नहीं क्या है ये शेड, और इसमें किसी भी तरह का कोई शाइन नहीं है, ये लिप्स को ड्राई बना देता है, पैची बना देता है, तो ये शेड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सेकेंड शेड है वो है हॉट शॉट एक्सप्रेसो। ये वाला जो शेड है, ये शेड मुझे बहुत पर्सनली, मुझे ये शेड बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये इस तरीके का इसका स्वेचेस है, मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके का इसका स्वेच है। मैंने लिप्स पे भी यही अप्लाई कर रखा है, तो ये आप देख सकते हैं, ये रेड भी नहीं है और ये ब्राउन भी नहीं है, ये एक ब्रिक रेड कलर है जिसमें, जैसे कि रेड में थोड़ा सा ब्राउन मिक्स करके बनाया हुआ है। ये वाला जो कलर है ना, ये हर आउटफिट के साथ सूट करता है और साथ ही साथ, मतलब हर स्किन टोन पे ये सूट करेगा। टेक्सचर इसका बहुत ज्यादा अच्छा है, जब भी आप इसको अपने हुड लिप्स पे लगाएंगे ये आपके हुड लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनाएगा, इजीली ग्लाइड हो जाएगा, सेटल होने के बाद बिल्कुल मैट फिनिश देगा। और मुझे ये शेड बहुत अच्छा लगा। अगेन बिग थम्स अप टू दिस, हाईली रिकमेंड टू दिस। लास्ट
और मेरा फेवरेट शेड है ये वाला 11 नंबर नॉटी न्यूट। मैं क्या बताऊं, इस शेड की मैं बहुत बड़ी फैन हो गई हूं, और आप देखिए इस लॉकडाउन के अंदर भी मैंने इस शेड को आधा खा लिया है, मतलब मैं इसको इतना लगाती हूँ। ये वाला शेड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ये जो शेड है ये और ये दोनों ही आपके लिप्स पे अप टू 5 to 6 hours स्टे करते हैं, और ना आपके लिप्स ड्राई होंगे ना कभी फटेंगे। इबाम वगैरह लगाती हूँ, वो थोड़ा सा टिंटेड लिप बाम लगाती हूँ, तो उसकी जगह मैं ये लगा लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ऑफिस में जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा नेचुरल न्यूड शेड है। और इसका भी मैं आपको स्वैच बता देती हूँ, इसका ये कुछ इस तरीके का स्वैच है, इसका ये इस तरीके का पीची न्यूड कलर है, ये पीची न्यूड कलर है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। डेली वेयर के लिए ये शेड बहुत ज्यादा अच्छा है, लाइट टू मीडियम स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगेगा, हाईली हाईली रिकमेंड। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।